10 मई सन 24 अक्षय तृतीया के दिन बस चुपचाप खरीद लाना 5 रुपए की गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, हिंदू धर्म में जैसे दिवाली धनतेरस की पूजा का महत्व होता है, वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन की गई पूजा साधना क्रिया का विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। अक्षय तृतीया की पूजा का महत्व हमारे हिंदू धर्म में दिवाली की पूजा के बराबर का महत्व माना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय दिया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य के कार्य भी शुभ माने गए हैं। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है, इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार शुक्रवार 10 मई को सुबह 4:17 पर आरंभ होगा। इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के चलते अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। और दोस्तों, इस दिन अगर आप सोना चांदी या महंगे रत्न नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, वास्तु शास्त्र के अनुसार 5 रुपए की कुछ चीजों को खरीद कर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो से इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन चीजों को अगर आप अक्षय तृतीया दिन सही मुहूर्त पर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नव ग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु की दशा अच्छा हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इन छोटी सी चीजों को लाने के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 10 मई को पढ़ने वाली अक्षय तृतीया का समय पूरे 42 वर्षों बाद आया है, जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया का पावन पर्व शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा अवसर हमारे हिंदू पुराणों में बताया गया है। यानी कि दोस्तों, इस अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना चांदी न खरीद कर वह 5 रुपए की चीज खरीद कर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए दोस्तों, सिर्फ 5 रुपए खर्च करके आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल सकती है और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं और भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास ना हो, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा, अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको कहीं से भी सेंधा नमक खरीद के लाना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेंधा नमक का सीधा संबंध सुख शांति मानसिक संतुलन बनाने वाले ग्रहों से होता है। वेद पुराणों में वर्णित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी सेंधा नमक खरीद कर लाता है, उसको पीले कपड़े में रखता है, पीले कपड़े की पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास कहीं भी रख देता है, तो इस उपाय को करने के बाद उस व्यक्ति के घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। दोस्तों, नमक में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की अद्भुत ताकत होती है, और अगर आप इस अक्षय तृतीया के दिन एक पीले कपड़े में सेंधा नमक को रखकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं भी रख देंगे, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, भगवान कुबेर जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी अलमारी आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो जरूर एक काम कीजिएगा कि 10 मई अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने से पहले मिट्टी का कोई भी पात्र खरीद करके ले आएगा, जैसे कि मिट्टी का घड़ा, 11 की संख्या में दीपक, गुल्लक या कुछ भी ऐसा ले लीजिएगा जो मिट्टी का बना हो। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर मिट्टी का कोई भी सामान घर में लाया जाए तो उस घर में भगवान कुबेर जी की कृपा बन जाती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस भी मिट्टी के सामान को आप लेकर के आ रहे हैं उसको अपने घर के स्वच्छ जगह पर, यानी कि ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर साफ सफाई रहती हो, और इस चीज को जैसे ही आप अपने घर पर अक्षय तृतीया के दिन लाएंगे उसके बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा, जैसे कि शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, वरना कभी भी आपको भगवान कुबेर जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मिट्टी का पात्र लाकर आप अपने घर पर रख लेते हैं और आप तामसिक भोजन को छोड़ देते हैं, तो मानकर चलिए जरूर ही आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, और भगवान कुबेर जी की कृपा से कभी भी आपको अपने जीवन में धन और अन्य की कमी नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों खरीद कर लाता है तो वह सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति अगर पीली सरसों खरीद कर लाता है उसको लाल कपड़े में रखकर उस कपड़े की पोटली बनाने के बाद उसको अपने घर के पूजा घर के आसपास कहीं भी रख देता है, तो हमेशा उस घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, वह घर हमेशा आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी जैसी समस्याओं से बचा रहता है। तो दोस्तों, बस एक काम कीजिएगा, अक्षय तृतीया वाले दिन कभी भी आप लोग एक मुट्ठी पीली सरसों खरीद लीजिएगा और उसको लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बना ली होगा और उसको अपने घर के पूजा घर के आसपास कहीं भी रख लीजिएगा। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी उस वक्त माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़िया भी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए कौड़ी को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी की हर पूजा में जरूर इस्तेमाल किया जाता है।
तो बस एक काम कीजिएगा, 11 की संख्या में कौड़िया खरीद लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लीजिएगा और लाल कपड़े में लपेटकर इन कौड़ियों को अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख लीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने 10 मई के दिन कर लिया तो दोस्तों लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन गंगा जल खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो दोस्तों बसे गंगा जल की छोटी सी बोतल खरीद कर के लिए आना आप लोग और उसको अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों देवी देवताओं की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।